तो पावर क्यूरी की हमारी इस क्लास में आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर टेक्स के ट्रांसफॉर्मर टाइप के फॉर्मूले के बारे में बात। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, हमारे पास सुजीत कुमार, मनोज शर्मा, उदय कुमार है। अब मुझे इसके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग है। तो यहां हम आएंगे ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, और यहां पे मैंने लिख दिया एफ नेम, मतलब कि फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम के लिए यहाँ टेक्स्ट के अंदर यहाँ लिखेगा आपको टेक्स्ट, टेस्ट हो गया, माफ कीजिएगा, टेक्स्ट। और इसमें आप देखेंगे बिफोर डिलीमिटर, बिफोर डिलीमिटर को सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने नेम को सेलेक्ट किया और नेम में कॉमा हमने बोला कि स्पेस के बाद चाहिए। अब इस केस की बात करके मैंने जैसे ही इसको ओके किया, आप देखेंगे कि स्पेस के बाद क्योंकि आ गया कुमार शर्मा बनना, ये बेसिकली हमने लगाया था आफ्टर, हमने फॉर्मूला यहाँ पे गलत लगा दिया, सिर्फ दोबारा से लगाते हैं। आफ्टर जो होता है आपका लास्ट नेम देता है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम भी कर सकते, लेकिन मैं दोबारा आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। रिमूव करके हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कॉलम में, ऐड कॉलम के अंदर कस्टम, और यहां हमने लिया फर्स्ट नेम, और यहां पे हमने टेक्स्ट, टेक्स्ट में यहां पे बिफोर डिलिमिटर सेलेक्ट किया, यहां पे मैंने नेम को लिया कॉमा, हमने यहां स्पेस लिया, ब्रैकेट को क्लोज किया और इसके बाद जस्ट ओके किया। तो आप देखिए आपके सारे फर्स्ट नेम आ गए। अब फर्स्ट नेम आया है तो मुझे लास्ट नेम भी चाहिए, तो इसे पहले फॉर्म में लगाया था आफ्टर वाला, उसके लिए हम लास्ट नेम के लिए यूज करेंगे। तो यहां हम देते हैं टेक्स्ट और इसमें आफ्टर डिलीमिटर सेलेक्ट करके ब्रैकेट हमने यहाँ पे नेम को लिया, फिर कॉमा इसमें हमने स्पेस दिया और यहाँ पे एंटर प्रेस किया। अब देखिए आ गया सुजीत कुमार सिंह आ गया। अब देखिए इसने पहले स्पेस के बाद रिमूव कर दिया, लेकिन अगर कभी आपको लगा कि दो नाम दो तीन नाम है आपके पास, तो यहाँ आपको कॉमा करके बताना पड़ेगा इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पे दे दिया वन, एंटर प्रेस किया वन दे के, और लास्ट में क्लिक करके एंटर प्रेस कीजिएगा तो सिर्फ सिंह आया। तो वन मतलब ये जीरो मतलब पहले स्पेस को रिमूव करेगा दूसरे, क्योंकि ऑफसेट मेथड चलता है, इसलिए यहाँ पे आप ध्यान रखें। तो फिलहाल यहाँ पे इसको हटा देते हैं, मतलब कि वो पहले स्पेस को के बाद अलग करें। अब इसमें बात आती है बिटवीन डिलीमिटर, मतलब कि बीच की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसके लिए, अब यहाँ पे आईडी है ना, मैं बीच की जो आईडी 3 डिजिट की है वो मुझे अलग करनी, जैसे कि एक्सेल में हमारा मिड फॉर्मूला होता था, यहाँ पे IT3 करके हमने बनाया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट में हम यहाँ पे बिटवीन डिलीमिटर को सेलेक्ट किए हैं, और बिटवीन डिलीमिटर में हमने यहाँ में आईडी को ले लिया, और आईडी लेने के बाद इसमें बताना होता है कि स्टार्ट लिमिटर कौन सा है, तो हमने बोला डॉट, एंड डिलीमिटर कौन सा है तो हमने बोला वो भी डॉट, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया एंड ओके करते हैं। तो देखिए 365, 321, 125, 123, ये आपका अलग हो गया। हमने तीन फॉर्मूले पढ़े यहाँ पे, आफ्टर डिलीमिटर, बिफोर डिलीमिटर और बिटवीन, मतलब कि टेक्स्ट को अलग करने का तीन फॉर्मूला हमने आपके साथ बात, यहाँ हमने क्या किया तीन फॉर्मूले को अलग। अब इसमें हम बात करते हैं अगला ऑप्शंस, वो है आपका कि अगर इसमें आप देखेंगे कि पुणे में एक स्पेस लगा है, देवघर में स्पेस लगा है, इसके बाद यहाँ पे न्यू दिल्ली के बाद स्पेस लगा है, ये जो एरिया है ना, इस एरिया में बहुत सारा प्रॉब्लम है, डेटा की प्रॉब्लम है, मतलब डेटा सही नहीं है, किसी में स्पेस है, किसी में नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं, जैसे ऑल्ट एंटर टाइप का, जिसके लिए हम क्लीन वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ भी आपके साथ क्लीन सीएल डेटा करके हम डीटी के नाम से बनाते हैं, तो
तो आप यहां फॉर्मूला लगा सकते हैं टेक्स्ट क्लीन का। क्लीन क्या करेगा, नॉन प्रिंटेबल डेटा को रिमूव करेगा। अब क्लीन के अंदर वापस हम टेक, अब देखो दो फॉर्मूला यहां पे हम यूज कर रहे हैं, हम यहां पे क्लीन के जगह पे ट्रिम फॉर्मूला आपके यहां दिखेगा, तो चलिए ट्रिम फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं। ट्रिम फॉर्मूला लिए और ट्रिम फॉर्मूले में हम लेते हैं एरिया और इसको क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, दोनों क्लोज कर दिए, देन ओके। तो देखिए अब यहाँ देख रहे हैं पुणे थोड़ा सा स्पेस से हटा हुआ था, नहीं हटा हुआ, दिल्ली भी सही जगह पे है, देवघर भी सही जगह पे है, तो ट्रिम और क्लीन यहाँ पे लगा सकते हो। अच्छा इसमें दो और फॉर्मूले होते हैं, अगर ट्रिम की बात करें तो ट्रिम का काम होता है आपका, एक ट्रिम आपका आता है नॉर्मल ट्रिम की या कोई भी स्पेस है उसको रिमूव कर देगा, दूसरा होता है ट्रिम एंड, वो जो लास्ट का करेक्टर है ना उसको करेंगे ट्रिम स्टार्ट, जो शुरुआती है मतलब जैसे यहाँ देख रहे हैं पुणे से पहले स्पेस है, तो ट्रिम स्टार्ट जो है इसको रिमूव करेगा, ट्रिम एंड जो है जो लास्ट, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए कि न्यू दिल्ली के बाद बहुत सारा स्पेस था तो वो न्यू दिल्ली के बाद को करेगा, तो ट्रिम एंड एंड ट्रिम स्टार्ट भी अप्लाई करके आप देखिएगा। तो हमने सेपरेट करना तो सीख लिया, लेकिन अगर हम बात करते हैं कंबाइंड करने की, जी हाँ कंबाइंड करने की बात करते हैं, तो कंबाइंड कैसे करते हैं, तो कंबाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है टेक्स्ट डॉट कंबाइंड, दो सेल को आपस में कंबाइन करते हैं, जैसे कि लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम को कंबाइन करना है। देखिए इतना आसान आसानी से नहीं लगता है, इसमें भी एक ट्रिक है, चलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये कर्ली ब्रैकेट को लेता है, जैसे यहाँ पे हमने फुल नेम लिख दिया, फुल नेम में मुझे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को करना है, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट में हमने यहाँ कंबाइन को लिया, कंबाइन लेने के बाद हमने ब्रैकेट ओपन किया और हमने बोला कि फुल नेम कॉमा स्पेस दिया और हमने वापस कॉमा और हमने लास्ट नेम को लिया। आप सोच रहे हो कि आपका जो कॉन्केटेनेट फॉर्मूला एक्सेल में होता है उस तरह से कंबाइन हो जाएगा, जी नहीं, देखिए ये देगा आपको एरर, क्यों एरर दिया, क्योंकि इसको कर्ली ब्रैकेट में चाहिए, तो ये जो चीजें आपने लिखी है ना इसी चीजों को आप कर्ली ब्रैकेट में रख दीजिए, या इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं दोनों को कर्ली ब्रैकेट में रख देता हूं, अब एंटर प्रेस कीजिए, सॉरी कर्ली ब्रैकेट हमने गलत जगह लगा दिया, हमें स्क्वायर ब्रैकेट के बाद लगाना था, तो यहाँ हमने लगा के एंटर प्रेस किया। अब देखिए आपके नेम ऐड हो गए, सुजीत कुमार, मनोज कुमार, उदय कुमार, ये सारे ऐड हो, तो यहाँ पे हमने इसको ऐड, ये थी हमारे कंबाइन। इस तरह से वीडियो को बने रहें, अगली क्लास में हम बात करेंगे इसके अगले अगले पार्ट के बारे में, बात करेंगे टेक्स्ट पे हम चलना है, तो टेक्स्ट खत्म करने के बाद फिर डेट और बाकी चीजों पे भी बात करेंगे।